हेलो गाइस, पैरगुनी डिजिमेडी न्यूज। तो गाइस, आज हम बात करेंगे न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन के बारे में। तो जैसा कि आप सबको पता होगा, न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन स्टार्ट हो चुका है 3 अक्टूबर से और ये चलेगा 6 अक्टूबर तक। तो कौन से दिन क्या क्या अपडेट रहेंगे, तो मैं एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने डिज्नी एक्सपो की स्टार्ट करी थी। तो आज है डे 1 न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन का और आज टोटल 10 अपडेट है मार्वल डीसी के और कुछ एक्स्ट्रा अपडेट भी हैं जो कि इस वीडियो में इंक्लूडिंग है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, अपडेट काफ़ी ज़्यादा कमाल के हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कुछ कंसेप्ट आर्ट की, कुछ बैनर्स की, कुछ पोस्टर की, जो कि डीसी की अपकमिंग मूवी बीओपी से रिलेटिव हैं, जो कि काफ़ी कमाल के हैं, जिसमें कि उनकी सारी कॉस्ट्यूम दिखाई गई है जो कि ओनली फॉर लेडीज़ के लिए। जी हाँ, अब मूवी पूरी लेडीज फीमेल सुपर हीरो है, तो उनके प्रोडक्ट भी जो लॉन्च होंगे वो लेडीज से रिलेटिव होंगे। तो फाइनली न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में इनके कॉस्ट्यूम को सेल करा जा रहा है, बेचा जा रहा है, वो भी लेडीज के लिए, गर्ल्स के लिए, जिससे कि वो एक फीमेल सुपर हीरो का महत्व समझ सकें कि हाँ, सुपर हीरो सिर्फ लड़कियों के लिए भी होते हैं, ना कि लड़कों के लिए। तो ये सारे काफ़ी कमाल के लग रहे हैं और न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में ये सब लॉन्च करे गए हैं। साथ ही साथ इसके कुछ कॉन्सेप्ट आर्ट भी और बैनर भी लॉन्च करे गए हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रहे हैं। एक तो कुछ पुराने एक फ्रेंड सीरियल आता था उससे रिलेटिव लॉन्च करा गया है और एक डीसी लोगों के साथ लॉन्च करा गया है हार्ली क्विन का, जो कि वो भी काफ़ी ज़्यादा कमाल का लग रहा है। अब बात करते हैं कुछ एक्स्ट्रा अपडेट के बारे में। तो 2020 में एक मूवी आ रही ब्लड शॉट, तो उसका पहला एक्शन फिगर लॉन्च हो चुका है जो कि विन डीजल का है। उसके नीचे एक रखा हुआ चाकू और एक बंदूक जो कि इसका मोस्ट ऑफ दी वेपन है। साथ ही साथ एवेंजर्स गेम लॉन्च होने वाला है, आपको पता ही है, और कैप्टन अमेरिका का एक ऑफिशियली पुतला लगाया गया है, काफ़ी कमाल का लग रहा है और ये सबसे ज़्यादा वायरल हो रहा है न्यूयॉर्क कॉमिक कॉन में, जैसा कि मैं आप मेरी वीडियो में देख रहे हो। और देन कैप्टन अमेरिका एस का भी इसमें काफ़ी ज़्यादा मजाक उड़ाया जा रहा है जो कि इसमें हाईलाइटेड है सबसे ज़्यादा, आप देख सकते हो। उसी के साथ मार्वल एंटरटेनमेंट ने अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो लॉन्च करा, एवेंजर डैमेज कंट्रोल। ये एक्चुअल में वर्चुअल रियलिटी गेम है और एक वीडियो है जो कि सिर्फ वर्चुअल रियलिटी वाले लोगों के लिए जो कि यूज़ करते हैं। तो यानी कि हम मार्वल फैंस के लिए कुछ स्पेशल है नहीं है इस बार, पर फाइनली कुछ नया देखने को मिला जो कि मार्वल के लिए। साथ ही साथ ब्लैक विडो की एंडिंग का शूट हो रहा है जो कि हमें कुछ बिहाइंड द सीन देखने को मिला है, बीटीसी इमेजेस देखने को मिली है जो कि एक कार है वाइट कलर की जो कि शूटिंग चल रही है। अब इसमें कौन बैठा है तो कैरेक्टर भी कंफर्म नहीं हुआ है अभी तक। साथ ही साथ अब बात करते हैं अवतार मूवी से रिलेटिव काफ़ी कमाल के अपडेट के बारे में। तो जेम्स कैमरन ने एक इमेज डाली काफ़ी कमाल की जो कि VFX पीछे आप ग्रीन स्क्रीन लगी हुई है और जेम्स कैमरन अपने हाथ में कैमरा पकड़े हुए हैं जो कि काफ़ी कमाल का लग रहा है। अब बात करते हैं एक नए अपडेट के बारे में। तो फाइनली मार्वल सोच रहा है कि वो ब्लैक विडो के 3 पार्ट बनाए, जी हाँ, एक फुल ट्रिलॉजी जो कि बहुत कमाल की है। अब बात करते हैं जोकर से रिलेटेड अपडेट के बारे में। तो जोकर रिलीज होने के बाद फाइनली 73 रोटी टोमेटो मिली है जो कि बहुत बड़ी बात है और देन मेरे हिसाब से सही भी है, पर मूवी ब्लॉकबस्टर है। साथ ही साथ टॉम हॉलैंड ने एक नई इमेज अपलोड करी इंस्टाग्राम पर, उन्होंने बोला है कि मैं थोड़ा रेस्ट लेना चाहता हूँ क्योंकि मेरी जो अपकमिंग मूवी आ रही है चेरी, मैं काम करूँगा आने वाले फ्यूचर में रूसो ब्रदर के साथ। और अब सैमुली को एक शूज़ गिफ्ट मिले हैं CAA कंपनी की तरफ से उनके फ्यूचर के लिए जो कि मार्वल की अपकमिंग मूवी है शांग-ची। तो गाइस, आज के लिए बस इतना ही। और एक चीज़ नोटिस करने वाली बात यह है कि और भी काफ़ी सारे अपडेट हैं जो कि मेरे इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक पे डाले हुए हैं जो कि मार्वल डीसी से रिलेटिव नहीं थे, फिर भी मैंने वो अपडेट दिए हैं, तो आप जाके चेक कर सकते हो। तो गाइस, कैसा लगा अपडेट, कैसा लगा वीडियो? अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पे देख रहे हो, पेज को लाइक करें। रियली मैं आपको ये वीडियो पसंद आते हो भी लाइक कमेंट शेयर करो। जो बंदे इस वीडियो को नहीं देखो या तो उस पर आयरन मैन के हाथ मारो या पैर मारो, पर और कुछ मत मानना। बाय बाय, जा रहा हूँ।